हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों की फेवरेट रेसिपी आलू चना मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू चना मसाला बनाने के लिए हमने चनों को ओवरनाइट जो है सोक कर लिया था, भिगा लिया था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सामान हमने यहाँ पे लिया हुआ है। बारीक प्याज कट कर लिया है, हरी मिर्च ली है, एक आलू काट लिया है, 2 से 3 टमाटर हमने यहाँ पे अच्छे से कद्दूकस इसको कर लिए हैं। साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है, जीरा पाउडर जिसे हमने तवे में जीरा भूनकर और चकला बेलन में पीस के तैयार कर लिया है। इसी के साथ साथ कुछ खड़े मसाले हमें लेने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है और काली इलायची है, तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है और लहसुन यहाँ पर हम साबुत ही डालने वाले हैं। और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी आप देख सकते हैं हमने रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी दाल छोंकने से पहले तैयार कर लेनी है। ये देखिए, तो अगर इस तरीके से हम जो है, हमें कोई बाहर का बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं चाहिए, इन्हीं चीज़ों के साथ आसानी से आलू चना मसाला हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुकर हमने यहाँ पे ले लिया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे 2 चम्मच जो है ऑयल डाल लिया है। तो ऑयल कम ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे हमने जो है मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। इसी के साथ हमें यहाँ पे जीरे का तड़का लगा लेना है और जितने भी खड़े मसाले हैं हमको सभी को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये देखिए, तो अच्छे से खड़े मसाले हमने यहाँ पर ऑयल में मिक्स कर लिए हैं और इसी के साथ साथ हमारी जाएगी हींग। तो हींग हमारे खाने को बहुत अच्छा टेस्ट प्रदान करती है। और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ प्याज। ये देखिए, तो बिना मेहनत के बहुत स्वादिष्ट रेसिपी हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो प्याज हमारा थोड़ा सा हमने यहाँ पर 1-2 मिनट के आसपास भून लिया है। तो यहाँ पे बारीक हरी मिर्च भी हमने काट के डाल ली है। और जैसे कि थोड़ा सा प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, तो अच्छे से हमें इनको बढ़िया से पका लेना है। और जैसे जैसे 1-1.5 मिनट इनको भूनने के बाद हम यहाँ पे मसाले ऐड करते जाएंगे। तो देखिए, हल्दी हमने यहाँ पे 1 चम्मच डाली, हल्दी पाउडर। इसी के साथ साथ धनिया पाउडर ऐड करना है। इसी के साथ साथ कलर के लिए कश्मीरी मिर्च, और वैसे हमने यहाँ पे लाल मिर्च डाली हुई है। और ये हमारा है जो हमारे खाने में जान डालता है, किचन किंग मसाला। तो मैक्सिमम जो भी हमारा खाना रहता है, मैं किचन किंग मसाले को जो है अधिक से अधिक यूज़ करती हूँ, जिससे खाने में नेचुरल बहुत टेस्ट यहाँ पे अच्छा सा आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने डाला है जीरा पाउडर। तो अभी मसालों को यहाँ पे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। हल्का ऑयल हमारे बर्तन में है, तो इससे हमारे मसाले यहाँ पे फ्राई हो जाएंगे। और आँच का ध्यान रखना है इस समय पे जब मसाले डालते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ी गैस की जो आँच फ्लेम है उसको मीडियम कर लेना चाहिए। इसी के साथ थोड़ा नमक हमने डाला और थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च। और मसालों को पकाने के लिए भून तो हमने ऑयल में लिए हैं, अब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं तो इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे अपना थोड़ा सा पानी। तो देखिए, इस तरीके से हमें हल्की आंच में अपने मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो जब भी हम खाना पकाते हैं, अगर मसालों को अच्छे से भुना जाए तो खाने का स्वाद ही अलग होता है। और ये देखिए, तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने साबुत लहसुन डाल लिए हैं। अगर साबुत लहसुन इस तरीके से हम डालते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मसाले हमने लगभग यहाँ पे भून लिए हैं, आप देख सकते हैं मसालों ने ऑयल भी अच्छे से छूटने लगा है। और इसी के साथ साथ अब हमने ऐड कर लेना है यहाँ पे टमाटर। ये देखिए, टमाटर को हमने यहाँ पे आप चाहे तो ग्राइंड कर लीजिए, तो मैंने तो यहाँ पे कद्दूकस टमाटरों को किया हुआ है। देखिए, अच्छे से हमने पका लेना है और इनमें टाइम लगता है। और जब हम इस तरीके कोई खाना बनाते हैं तो दिल से बनाया जाए और तसल्ली से बनाया जाए तो खाना हमारा अच्छा बनता है। तो इसी के साथ साथ अब हम चना और आलू जो भी हमारे इसमें पड़ना है, जो हमारी दाल चना आलू मसाला बनेगा, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए, तो अब चने भी यहाँ पे हमें ऐड कर लेने हैं। देखिए, तो अच्छे से हम इनको भी मसाले के साथ जो है भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 से 3 मिनट बढ़िया से इनको भून के, ताकि इनमें भी अच्छे से मसाले जो है कोट हो जाएं, अच्छे से मसाले चले जाएं चना के अंदर, आलू के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमें इन्हें भून लेना है। ये देखिए, तो बढ़िया से इसको भून लेंगे और तैयार होगा हमारा स्वादिष्ट आलू चना मसाला। ये देखिए, तो अब हमें जितना भी यहाँ पे पानी डालना है, अगर आप जैसे कि ये चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे,
और जैसे अगर हमारे उत्तराखंड में आप लोग घूमने के लिए आते हैं, कोई भी टूरिस्ट आता है, तो आप देखेंगे जगह जगह यहाँ के जो उत्तराखंड के ढाबे हैं, होटल हैं, वहाँ पे आपको चॉइस करने के लिए मिलता है, आलू है या फिर आलू रायता मिलता है या चना रायता मिलता है। तो इसी तरीके से जो है तैयार किया जाता है। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है कुकर में ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के, और इसे कम से कम जैसे कि 2 सीटी हमने तेज़ आँच में लगा लेनी है। उसके बाद 20 से 25 मिनट हमें इसको सिम में जो है पका लेना है, मीडियम फ्लेम करके हमें इसे पका लेना है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमारा देखिए आलू चना मसाला तैयार है, और स्वाद का क्या कहना, बहुत स्वादिष्ट और मतलब लाजवाब हमारा आलू चना जो है तैयार होता है। ये देखिए, तो आप चाहें तो यहाँ पे आलू को जो है अच्छे से मैश कर सकते हैं, अगर आप अपनी ग्रेवी को जो है यहाँ पे गाढ़ा करना चाहते हैं। ये देखिए, तो तैयार है हमारा। आप चाहें तो इसको खाली चना भी आप खा सकते हैं, उसमें बारीक से प्याज काट के, ऊपर से नींबू निचोड़ के, और या फिर जो चाट मसाला आता है उसको डालकर और धनिया डालकर, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पहाड़ों में दिया जाता है। आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं, और आप चाहें तो चावल के साथ खाएं। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमने काटा है, और उसके ऊपर जो हमारा पहाड़ी पिसा सिल पिसा न्यून है वो हमने डाला हुआ है। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर की हुई है। साथ ही साथ आम की चटनी हमने डाली है, इसकी चटनी भी जो है मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर अपने चैनल में शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आम का सीज़न है, तो आम खाना तो बनता है। तो ये थी आज की शेयरिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी।